हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है खेल पर आधारित शिक्षा विधियाँ। दोस्तों, अन्य वीडियो को देखने के लिए किनेसियोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड बायोमैकेनिक्स के समस्त वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ मसल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है खेल पर आधारित शिक्षण विधियाँ। खेल पर आधारित शिक्षा विधियों में पहले मैं बात कर रही हूँ डाल्टन विधि की। इसमें कुल जैसे मैं आज मैं बात करने वाली हूँ डाल्टन विधि, बाल्चर विधि, मॉन्टेसरी विधि, हॉरिस्टिक विधि, किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, इन सब के बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ डाल्टन विधि की। डाल्टन विधि में क्या है कि इसके लेखक जो है श्रीमती हेलेन पार्क हर्स्ट है। इसमें क्या होता है कि इसमें बालक अपना कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, इसमें अध्यापक नहीं होता है। तो इसके लेखक और इसके थोड़ा एक पॉइंट याद रखना है कि इसमें क्या होता है। तो इसके डाल्टन विधि के लेखक है श्रीमती हेलेन पार्क हर्स्ट, और इसमें बालक अपना कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और इसमें अध्यापक नहीं होता है। नेक्स्ट है बाल्चर विधि। बाल्चर विधि के लेखक है लॉर्ड बडेन पावल। कौन है? लॉर्ड बडेन पावल। ठीक है, ये लॉर्ड बडेन पावल जो है स्काउट के जन्मदाता भी हैं इंग्लैंड में। ठीक है, एंड लॉर्ड बडेन पावल क्या है? बाल्चर विधि के लेखक हैं। ठीक है, बाल्चर विधि में क्या होता है कि बालक को प्राकृतिक वातावरण में रखकर बालक को शिक्षा दिया जाता है। तो क्वेश्चन इस विधि से पूछ सकता है कि बालक को प्राकृतिक वातावरण में रखकर बालक को शिक्षा दी जाती है, ये कौन सी विधि में दिया जाता है? तो बाल्चर विधि में। बाल्चर विधि के लेखक कौन है? तो लॉर्ड बडेन पावल। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि के लेखक है मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी। इस विधि में क्या होता है कि औरतें ही शिक्षण कार्य करती हैं। शिक्षा विधि मॉन्टेसरी विधि में औरतें ही शिक्षण कार्य करती हैं और ज्ञान इंद्रिय से संबंधित है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हॉरिस्टिक विधि। हॉरिस्टिक विधि के लेखक हैं आर्मस्ट्रांग। ठीक है, आर्मस्ट्रांग। और इसमें क्या होता है कि बालक को सिखाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है नए नए चीजों से। ठीक है, एंड नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि, जिससे आप सभी लोग अवगत होंगे। इसके लेखक हैं किंडर फ्रॉविल। और इसमें क्या होता है कि बच्चों को दबाव और भय से दूर रखा जाता है, कोई दबाव नहीं, कोई भय नहीं। इसमें कहानी और खिलौनों के से सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है कि शिक्षा में खेल विधि को लाने वाले, खेल विधि के द्वारा शिक्षा कराने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कौन है? तो फ्रॉविल है। ठीक है, तो ये किंडरगार्टन विधि यानी खेल विधि को अपनाए शिक्षा के लिए, तो किंडरगार्टन विधि, तो किंडर फ्रॉविल ने। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि। इसके लेखक है W.H. किलपैट्रिक। इसमें क्या होता है, बच्चों के सामने कुछ समस्याएं रखी जाती हैं और बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। जैसे कि होता है कभी प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो बच्चों के सामने समस्या रख दिया जाता है और बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, अपने हिसाब से वो अपनी अपने समस्याओं का समाधान करेंगे। किलपैट्रिक इसके लेखक हैं। तो हमने छह शिक्षा विधियों के बारे में जाना, डाल्टन विधि जिसमें जिसके लेखक श्रीमती हेलेन पार्क, जिसमें बालक अपना कार्य करने के लिए पूरी स्वतंत्र होता है और अध्यापक नहीं होता। और दूसरा हमने पढ़ा बाल्चर विधि, जिसका लेखक है लॉर्ड बडेन पावल, और इसमें प्राकृतिक वातावरण में रखकर बालक को शिक्षा दिया जाता है। तीसरा हमने पढ़ा मॉन्टेसरी विधि, इसके लेखक मारिया मॉन्टेसरी हुई, और इस विधि में औरत ही शिक्षा देती है, शिक्षा कार्य करती है, ज्ञान इंद्रिय से संबंधित है। चौथा हमने पढ़ा हॉरिस्टिक मेथड, जिसके लेखक आर्मस्ट्रांग, और इसे बालक को सिखाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। पांचवा हमने पढ़ा किंडरगार्टन मेथड, जिसके लेखक हैं फ्रॉविल, और इसमें बच्चों को दबाव और भय से दूर रखा जाता है और कहानी और खिलौनों से द्वारा सिखाया जाता है। और लास्ट हमने पढ़ा प्रोजेक्ट विधि, जिसके लेखक हैं किलपैट्रिक, और इसमें बच्चों के सामने कुछ समस्याएं रख दी जाती हैं और बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था खेल में शिक्षा विधियों पर आधारित कुछ विधियां। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा, और इसमें जो भी एक या दो क्वेश्चन इस विधि से भी पूछ लिया जाता है, शिक्षा विधियों से भी।
तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है वहां तक पहुंच सके। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा खेल की सैद्धांतिक धारणाएं, जैसे कि भविष्य धरती भविष्यदर्शी धारणा, पूर्व अवशेष का धारणा, मनोरंजनात्मक धारणा, पुनः अवलोकन धारणा, मनोविश्लेषण धारणा, विरेचन या रेचन विरेचन का धारणा, सामाजिक धारणा, खेल ही जीवन है धारणा, निसर्ग अनुष्ठान धारणा, संज्ञानात्मक धारणा, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगा। तो दोस्तों ये था खेल पर आधारित शिक्षा विधियां, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों यदि आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।